नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सौंपा 21 सूत्रीय ज्ञापन। विदिशा, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई विदिशा द्वारा आज 1 मई मजदूर दिवस पर जिला कलेक्टर विदिशा में अतिरिक्त कलेक्टर निकिता तिवारी को पत्रकारों की समस्याओं हेतु 21 सूत्रीय मान पत्र माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए, पत्रकार भवन की भूमि पर पुनः भवन बनाया जाए, श्रम विभाग के सहयोग से कमेटी बने, संभाग स्तर पर श्रमजीवी पत्रकार कोष बनाए जाए, आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए, पत्रकार कल्याण कोष का गठन हो, तहसील स्तर पर सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाए, संभाग जिला स्तर पर श्रमजीवी प्रकोष्ठ बनाए जाएं, धारा 353 का दुरुपयोग रोका जाए, दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, विज्ञापन की एक सामान्य नीति बने, टोल नाकों पर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्ड को मान्यता दी जाए, समाचार पत्रों तथा पत्रकारों को GST से मुक्त रखा जाए, लघु मध्यम समाचार पत्रों की विज्ञापन नीति पर पुनः विचार हो, पत्रकारों को श्रद्धानिधि जीवन पर्यंत मिले, जनसंपर्क विभाग की कमियों को पूरा किया जाए, आवास की भूमि स्थायी आवंटित हो, पत्रकारों के चिकित्सा कार्ड बनाए जाएं जो निशुल्क, उपाधि मानता सविता गठित हो, अधिमानता समितियां का गठन हो, पत्रकारों को कम ब्याज पर ऋण मिले, सरकारी नौकरियां में पत्रकारों के बच्चों को आरक्षण दिया जाए, तहसील एवं जिला मुख्यालय पर भी पत्रकारों के लिए भूखंड आवंटित किए जाएं। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष नरेंद्र भदौरिया, संगठन आर के वासुदेव, सचिव नरेंद्र नामदेव, तहसील अध्यक्ष अभिनय श्रीवास्तव, हाकिम सिंह रघुवंशी, रवि चौरसिया, जगदीश साहू चौरसिया, गिरधर साहू, चंदू सिनी, चैतराम साहू, सुंदर सिंह जाट, विजय अरोड़ा, गोपाल साहू, अखिलेश कुशवाहा, जफर कुरेशी उपस्थित रहे। गंजबासौदा से संवाददाता रवि चौरसिया की रिपोर्ट। पत्रकार संघ का जिलाध्यक्ष, आज हम लोग 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष में जो है मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का समस्त प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकार संगठन की ओर से एक कलेक्टर महोदय को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के लिए ज्ञापन देने आए हैं। इसमें पत्रकारों को लिए 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन है, जो हम कई बार दे भी चुके हैं। पिछली बार शिवराज सिंह जी चौहान जी के लिए भी दिया था, उन्होंने कई मांगे मान ली हैं। अब जो हमारी बची हुई मांग है, हम मोहन यादव जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों के लिए गंभीरता से विचार कर ये पत्रकारों के हित के लिए निर्णय करें। ये हमारी 21 सूत्रीय ज्ञापन है जो आज हम कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। मैं नरेंद्र सिंह भदौरिया, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिलाध्यक्ष। आज हम लोग 1 मई श्रम मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जो है मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का समस्त प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकार संगठन की ओर से एक कलेक्टर महोदय को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के लिए ज्ञापन देने आए हैं। इसमें पत्रकारों को लिए 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन है, जो हम कई बार दे भी चुके हैं। पिछली बार शिवराज सिंह जी चौहान जी के लिए भी दिया था, उन्होंने कई मांगे मान ली हैं। अब जो हमारी बची हुई मांग है, जो हम मोहन यादव जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों के लिए गंभीरता से विचार कर ये पत्रकारों के हित के लिए निर्णय करें। ये हमारी 21 सूत्रीय ज्ञापन है जो आज हम कलेक्टर के माध्यम से नगर इकाई का अध्यक्ष हूँ। किस संबंध में आज मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के नेतृत्व में हम सभी लोग श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी सदस्य पदाधिकारीगण जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय को 21 सूत्रीय मांग पत्र देने आए हैं, जिसमें पत्रकारों के हित में कई मांगें रही गई हैं। कुछ मांगें पूरी भी हो गई थी, कुछ मांगें शेष बची थी, जिनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर इस ज्ञापन देकर हम पूरी होने की उम्मीद रखते हैं। श्रीवास्तव, मैं गंजवासदा नगर इकाई का अध्यक्ष हूँ जी। किस संबंध में आए आप लोग? आज मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के नेतृत्व में हम सभी लोग श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी सदस्य पदाधिकारीगण जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय को 21 सूत्रीय मांग पत्र देने आए हैं, जिसमें पत्रकारों के हित में कई मांगें रही गई हैं। कुछ मांगें पूरी भी हो गई थी, कुछ मांगें शेष बची थी, जिनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर इस ज्ञापन देकर हम पूरी होने की उम्मीद रखते हैं।